अभी सासाराम का वाक्य आपको मालूम होगा कि सासाराम में इन लोगों ने बाकायदा अभी जो बजरंग दल के लोग पकड़े गए हैं, इन लोगों ने जब पुलिस इनसे पूछताछ और इन्वेस्टिगेशन करने लगी तो मालूम चला कि 5-5, 6-6 दिन से इन लोगों ने प्लानिंग किया था। और मरहूम सलाउद्दीन ओवैसी साहब ने यह कहा था कि जब जब मुसलमान कामयाब होगा, जब जब मुसलमान दुकान बिजनेस और अच्छे अच्छे घरों में रहने लगेगा और कामयाब हो जाएगा, तब तब ये जो भगवा आतंकवादी है, ये जो मुसलमानों के दुश्मन है, ये जो आरएसएस आइडियोलॉजी के लोग हैं, ये तब तब मुसलमानों के घरों में आग लगाएंगे, खास तौर पे बिजनेस में आग लगाएंगे और मुसलमान को उथल पुथल कर देंगे, इनको घर छोड़ने पर मजबूर कर देंगे। कल ऐसा हो सकता है कि नीतीश कुमार का जैसा हाल हो जाए कि नीतीश कुमार तो आए दिन बीजेपी में जाता है, बीजेपी से आता है, फिर बीजेपी में जाता है, फिर बीजेपी में से आता है। तो यही हाल है, जो लोग असदुद्दीन ओवैसी साहब को बी टीम कहते हैं बीजेपी का, जो हमको बीजेपी टीम कहते हैं, बी टीम कहते हैं बीजेपी का, मैं उनको कह देना चाहता हूं कि असली बी टीम तो वो है जो बीजेपी के साथ अलायंस करके बाकायदा रेलवे मिनिस्टर बनी थी, वो है। हमने कभी अलायंस नहीं किया, हमारे एक भी एमएलए एमपी अगर आप बता दें कि बीजेपी में गए हो तो मानता हूं। من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اشهد لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ میرے دوستوں میرے عزیزوں مجھے یہ چھوٹی سی جماعت دیکھ کر اسد الدین اویسی صاحب کے والد صاحب کا ایک واقعہ یاد آ گیا کہ اسی طرح ایک انڈور میٹنگ میں असदुद्दीन ओवैसी साहब के जो वालिद साहब थे सुल्तान सलाउद्दीन ओवैसी साहब, उनके बारे में अभी मैं सोच रहा था तो मुझे ऐसा लगा कि कहीं ना कहीं अल्लाह तबारक व तआला ने उनको एक बहुत बड़ा इल्म, एक इल्म दिया था कि वो दूर देख सकते थे कि हाँ आने वाले वक्त में क्या होने वाला है मुसलमानों के साथ। आज जो मौजूदा दौर में हम देख रहे हैं कि राम नवमी के नाम पर, हनुमान जयंती के नाम पर ये मंदिर में नहीं जाकर, मस्जिद के सामने जाकर ये अपना भगवा झंडा मस्जिदों में लहरा रहे हैं, मस्जिद मदरसों को आग लगा रहे हैं, पत्थर ये चला रहे हैं, तमंचा रिवॉल्वर लेकर ये सड़कों पर घूर रहे हैं और बदनाम मुसलमानों को कर रहे हैं। तो सुल्तान सलाउद्दीन ओवैसी साहब ने यह कहा था कि जब जब मुसलमान हिंदुस्तान में कामयाब होगा, अमीर हो जाएगा, प्रॉपर्टी से, माल से, दौलत से, हर चीज से, उसका दुकान बिजनेस बहुत अच्छी तरह से चलेगा, वो अगर छोड़ दिया जाए तो वो जंगल को शहर बनाने में कायम रखता है। ये ऐसा कौम है मुसलमान, जंगल को ये शहर बना देगा। और आज आप हिंदुस्तान के किसी भी कोने में जाएंगे, 3 बजे भी चाय मिलेगा, रात के 3 बजे दवा भी मिलेगा, रात के 3 बजे मोबाइल भी रिचार्ज हो जाएगा। मुस्लिम कम्युनिटी ऐसा है कि वो जहां रहता है उस शहर को वो आबाद कर देता है। तो मरहूम सलाउद्दीन ओवैसी साहब ने ये कहा था कि जब जब मुसलमान कामयाब होगा, जब जब मुसलमान दुकान बिजनेस और अच्छे अच्छे घरों में रहने लगेगा और कामयाब हो जाएगा, तब तब ये जो भगवा आतंकवादी है, ये जो मुसलमानों के दुश्मन है, ये जो आरएसएस आइडियोलॉजी के लोग हैं, ये तब तब मुसलमानों के घरों में आग लगाएंगे, खास तौर पे बिजनेस में आग लगाएंगे और मुसलमान को उथल पुथल कर देंगे, इनको घर छोड़ने पर मजबूर कर देंगे। तो आज मुसलमानों का हाल ऐसा हो गया है कि अभी सासाराम का वाक्य आपको मालूम होगा कि सासाराम में इन लोगों ने बाकायदा अभी जो बजरंग दल के लोग पकड़े गए हैं, इन लोगों ने जब पुलिस इनसे पूछताछ और इन्वेस्टिगेशन करने लगी तो मालूम चला कि 5-5, 6-6 दिन से इन लोगों ने प्लानिंग किया था। और बाकायदा प्लानिंग के साथ इन लोगों ने क्या किया कि जब इस तरह का रामनवमी का जुलूस आया और जुलूस के शक्ल में इन लोगों ने बाकायदा मुसलमानों के दुकान पर इन लोगों ने हमला किया और उसको जलाया ताकि मुसलमान रास्ते पर चलाए। तो आज हिंदुस्तान में हर वो मुसलमान
जिसको ये लगता है कि उसके ऊपर जुल्म हो रहा है, तो वो बेशक वो सही सोचता है कि हमारे ऊपर जुल्म हो रहा है। क्यों जुल्म हो रहा है? बाबरी मस्जिद हमारा रहते हुए उसको बाकायदा शहीद कर दिया गया, और जिन लोगों ने शहीद किया था उनको किसी तरह का कोई सजा नहीं हुआ, हर कोई बाइज्जत बरी हो चुका है। ये मुसलमानों के मुंह पर तमाचा है और ये मुसलमानों के मुंह पर थूकना हुआ। दूसरा, गुजरात दंगे में बिल्किस बानो के साथ तकरीबन 11 से 14 लोगों ने रेप किया, बाकायदा उसके बच्चियों को मार डाला, उसके घर के 7 लोगों को मार डाला। वो तमाम लोग 14 साल का सजा काटने के बाद बाइज्जत बरी हो जाते हैं, जबकि उनको उम्र कैद की सजा हुई थी। एहसान जाफरी जो कांग्रेस का एमएलए था, एमपी था, वो उसको बाकायदा 68 लोगों के साथ जिंदा जला दिया गया, और यही कांग्रेस आज तक अपने जबान से एहसान जाफरी को इंसाफ दिलाने की कोई पहल इन लोगों ने नहीं किया कांग्रेस से, जबकि ये अपने आप को सेकुलर पार्टी कहती है। कांग्रेस पार्टी में ताला लगवाया, कांग्रेस पार्टी के राजीव गांधी ने शिलान्यास करवाया, ताला खुलवाया, और यही कांग्रेस पार्टी की सरकार जब नरसिम्हा राव की सरकार थी उस वक्त, तो ये बाबरी मस्जिद जो हमारा वो शहीद हुआ था। तो ये तमाम लोग जो अपने आप को सेकुलर और मुसलमानों का हमदर्द कहते हैं, ये सबसे बड़े मुसलमानों के दुश्मन हैं। तभी तो रविंद्र सचार कमेटी का जब रिपोर्ट आया, तो तकरीबन 60 साल के बाद मुसलमानों का हाल बद से बदतर हो चुका था हिंदुस्तान में। अब हमने बंगाल में रहते हुए 34 सालाना जो हुकूमत CPIM की थी उसको देखा है। जैसा बहुत लोग जानते हैं कि जब आप दलदल से गुजरेंगे तो जोक देखेंगे, जोक जो खून चूसता है, तो उसी तरह का ये सरकार है जो मुसलमानों का खून चूसता है। हमसे वोट तो ले लेता है मगर हमारे लिए कोई काम नहीं करता। ये हमारे वोटर जो वोटिंग अधिकार है उसको छीनने पे लगा है। ये वोटर आईडी से हमारा नाम काट रहा है, और नाम क्यों काटता है? जब इनको लगता है कि अब आप इनको वोट नहीं दे सकते, तब ये आपका नाम काटने लगता है। नहीं तो यही बंगाल की श्रीमती ममता बनर्जी साहिबा, जब इससे पहले जब वो सत्ता में नहीं थी, तो यही मुसलमान जब CPIM का राज था यहाँ बंगाल में, तो यहाँ के मुसलमानों को ये रेफ्यूजी कहा करती थी, बोलती थी बांग्लादेशी है ये सब, और NRC का मांग ये करती थी कि NRC करके इन लोगों को निकाला जाए। तो जब आज सत्ता में आ गई हैं तो हम उनके हमदर्द हो गए। कल ऐसा हो सकता है कि नीतीश कुमार का जैसा हाल हो जाए, कि नीतीश कुमार तो आए दिन BJP में जाता है, BJP से आता है, फिर BJP में जाता है, फिर BJP में से आता है। तो यही हाल है। जो लोग असदुद्दीन ओवैसी साहब को बी टीम कहते हैं BJP का, जो हमको BJP टीम कहते हैं, बी टीम कहते हैं BJP का, मैं उनको कह देना चाहता हूँ कि असली बी टीम तो वो है जो BJP के साथ अलायंस करके बाकायदा रेलवे मिनिस्टर बनी थी, वो है। हमने कभी अलायंस नहीं किया। हमारे एक भी MLA MP अगर आप बता दें कि BJP में गए हो तो मानता हूँ। आज मुकुल राय बोलिए, सुवेंदु अधिकारी बोलिए, या ये जितने भी लोग हैं, ये तमाम लोग सब यही बंगाल के और TMC के नेता थे जो BJP को जाके मजबूत करके वापस चल आए। इन लोगों ने बाकायदा BJP को मजबूत करके ये चला। तो मेरा यही कहना है कि आने वाले ये पंचायत इलेक्शन में आप अपने वोट का अधिकार जरूर दिखना है। आप ये मत सोचिए कि हमारे एक वोट से हम हार जाएंगे या जीत जाएंगे या क्या होगा, आप ये मत सोचिए। बस आप याद रखिए कि आप उस कौम से ताल्लुक रखते हैं जो कर्बला में शहीद हो गए थे, वो 72 थे, भले से वो कम थे मगर कम से कम यजीद के खिलाफ थे वो। तो हम यजीद के खिलाफ वाले कौम हैं, हम यजीद के साथ वाले कौम नहीं है, भले से उनका तादाद ज्यादा हो। इसी के साथ मैं अपनी बातों को खत्म करता हूँ, और आप सबसे गुजारिश करता हूँ कि आने वाले वक्त में आप AIMIM ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का साथ देंगे, हमारे लोगों का साथ देंगे जो भी यहाँ पर पंचायत इलेक्शन में खड़े होंगे। इंशाअल्लाह ताला मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह तबारक व ताला अपने हबीब के सदके में हमारे इन तमाम जो हम सेक्रीफाइस कर रहे हैं वो अल्लाह उसको कबूल करे और अल्लाह हमारा साथ दे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।